और इन्होंने एकदम प्लान करके रखा है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट के एग्जाम सितंबर के एंड में हो जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने इस वक्त प्लान को चेंज किया है। रीजन ये है क्योंकि इनको डर है कि सुप्रीम कोर्ट से शायद ये हार जाए और फाइनल ईयर के स्टूडेंट के एग्जाम कैंसिल हो जाए, जिसके वजह से इन्होंने मीटिंग रखा था कल। और उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन यार वीडियो चालू करने के पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इतने प्यारे वीडियो क्वालिटी कंटेंट के वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को ऑल पे करना होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों आपको मैं अभी इसके इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता देता हूँ। तो आपको बता दूं दोस्तों की HRD पार्लियामेंट स्टैंडर्ड कमिटी जो बनी हुई थी उनकी मीटिंग कंडक्ट करवाए गए थे मंडे के दिन, ठीक है दोस्तों। अच्छा मीटिंग क्यों कंडक्ट करवाया गया था, जैसे कि उनको आपको पता होगा कि कल 10 अगस्त के दिन ओपिनियन आने वाला था फाइनल ईयर के स्टूडेंट को लेकर कि एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा कि नहीं करवाया जाएगा, और अभी इसमें भी तारीख दे दिया गया है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट का एक ही कहना है कि हमें सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रहे हैं, कोई भी डिसीजन या सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो ये तारीख इसके लिए ले लिया गया है, यूजीसी को भी समझ में आ रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में उनकी हार हो जाए, जिसके वजह से उन्होंने अपना प्लान थोड़ा चेंजेस कर दिया है। उन्होंने नेक्स्ट हियरिंग के पहले उन्होंने अपना एफिडेविट बना के उन्हें सबमिट करना है सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने प्लान ये कर लिया है कि अब जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के एग्जाम है वो एग्जाम ईयर एंड में कंडक्ट करवाया जाए। दोस्तों कब कंडक्ट करवाया जाए, ईयर एंड। ईयर एंड का मतलब है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मंथ में आप लोगों के एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए, ऐसा यूजीसी का मानना है। क्योंकि आपको पता है कि सितंबर के मंथ में एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए उनका प्लान है कि ईयर एंड मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मंथ में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, ऐसा उनका डिसीजन लेने का प्लान है। और उन्होंने ये भी बोला है कि स्कूल और कॉलेज जब भी चालू होगा वो डिपेंड करेगा वहां के मतलब जो स्टेट है वो कितना मतलब क्लियर है, रेड जोन में कैसा है, वो उस चीज को देख के चालू करेंगे। और जो ऑनलाइन स्टडी को लेके जो प्लान चल रहा है तो अप टू जो 3 क्लास है मतलब थर्ड स्टैंडर्ड तक के जितने भी बच्चे होंगे उनके कोई भी लेक्चर नहीं लिए जाएंगे अप टू थर्ड, एंड देन थर्ड स्टैंडर्ड से लेके 7 स्टैंडर्ड तक के बच्चों का ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन सिलेक्टेड लेक्चर होंगे कुछ ना कुछ मतलब कम ही लेक्चर होंगे, ऑल लेक्चर नहीं होंगे। लेकिन अप टू 8 स्टैंडर्ड, ठीक है सॉरी अबोव टू 8 स्टैंडर्ड उन सभी स्टूडेंट के एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है जिनका एग्जाम जो यूजीसी है HRD पार्लियामेंट कमिटी है इनका तो प्लान है कि अक्टूबर नवंबर के मंथ में लिया जाए। अगर दोस्तों इस मंथ में इनका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए तो सिंपल सी बात है कि बच्चों का पूरा एक साल खराब किया जा रहा है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी अगेंस्ट लॉयर है वो इसके अगेंस्ट जाना चाहिए। और अगर दोस्तों डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में ये भी चल रहा है कि स्टेट वाइड दिया जाए, मतलब जो स्टेट चाहती है कि उनके वहां की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वहां के स्टेट वहां के CM डिसीजन ले ले, तो अगर ऐसा डिसीजन आता है तो दोस्तों हमारे वहां महाराष्ट्र में दिल्ली में एग्जाम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ के स्टेट यहाँ के CM उसके अगेंस्ट है। आई होप दोस्तों की वीडियो अच्छा लगा होगा, तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।